नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1.2। 1.2 में क्या बोला है बेटा, ए पॉइंट ट्रेवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ अ स्पीड विथ अ वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है, तो हाफ ए डिस्टेंस इसका मतलब पहले मैं एक ट्रैक बना लेता हूँ जिसका टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कुछ। टोटल डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया बेटा, 2s मान लो। और ये बोल रहा है हाफ द डिस्टेंस। हाफ द डिस्टेंस का मतलब ये s और ये भी s। 2s मानने के पीछे का रीज़न यही है कि ये बाई टू मुझे बार बार झेलना ना पड़े, है ना। तो आप कुछ भी मान के कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बोला क्या पहला स्टेटमेंट कि हाफ द डिस्टेंस कितना स्पीड से चला, वी नॉट से। तो ये दिखा दिया मैंने, हाफ द डिस्टेंस दैट इज s चला वी नॉट से। बोला क्या, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ वेलोसिटी वी वन। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है वो वी वन से कवर किया गया फॉर हाफ द टाइम, एंड विथ वेलोसिटी वी टू फॉर अदर हाफ द टाइम। मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है बेटा वो इक्वल टाइम में ट्रेवल किया गया, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। मतलब अगर ये टाइम टी लगता है तो ये भी टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है इक्वल टाइम में, है ना। और ये कितना से ट्रैवल कर रहा है, तो दैट इज़ ये वी वन से ट्रैवल कर रहा है, और ये कितना से ट्रैवल कर रहा है, वी टू से। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला तो अगर ओवरऑल सिचुएशन दिखा जाए तो इक्वल डिस्टेंस का कंसेप्ट है, और उस हाफ डिस्टेंस में फिर इक्वल टाइम का कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपको दिया गया सिचुएशन पूरा। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल टाइम कितना मान लिया मैंने, 2t। फिर से 2t इसलिए भी माना कि हाफ आप बार बार झेलना ना पड़े मुझे। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मेन वेलोसिटी। मेन का मतलब एवरेज वेलोसिटी पॉइंट ओवर द होल टाइम। मतलब पूरे ड्यूरेशन में, पूरे जर्नी के दौरान एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, है ना, ये आपको बताना है। तो सर एवरेज वेलोसिटी का तो एक ही फार्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, है ना। तो हम लोग तो यहीं से आगे बढ़ेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम से। और चूंकि यहाँ पे स्पीड वगैरह भी कांस्टेंट दे दिया, तो कोई टेंशन भी नहीं है। अगर स्पीड वगैरह कांस्टेंट नहीं देता बेटा तो फिर इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता मुझे, है ना। बट यहाँ पर तो बहुत ही आसान है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना होगा, आप ऑलरेडी मान चुके हो देखो 2s। तो हाँ, अब ये ध्यान रखना कि अगर आपने 2s माना है तो 2s लिखना होगा यहाँ, अगर आपने s माना होता तो s लिखना होता, बस यही फर्क है। एंड टोटल टाइम बेटा, तो ये जो आधा जर्नी है उसने टोटल टाइम t लगाया, और ये जो आधा बचा इसका मैं टोटल मान लेता हूँ बेटा t1। तो टोटल टाइम कितना लिखोगे आप, t1 प्लस 2t। ठीक है, अब t1 एंड 2t की वैल्यू रख दो आप, तो ये आ जाएगा कितना, 2s डिवाइडेड बाई t1 की वैल्यू। तो आप आसानी से निकाल सकते हो यार, ये जो हाफ पार्ट है, क्योंकि सर यहाँ पे s तो आपने s माना है और वी नॉट है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दैट मीन्स s बाई वी नॉट। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया सर, s बाई वी नॉट प्लस। अब यहाँ से यार 2t की वैल्यू निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स t की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो t इज रिलेटेड टू दिस पार्ट। ठीक है, अब देख बेटा यहाँ पे दो डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक तो s1 एंड एक s2। ठीक है, बट दोनों का अगर सम देखा जाए तो सम पता है मुझे कितना है, दोनों का सम s। अगेन तो s1 इक्वल टू, तो आप निकाल ही सकते हैं, s1 क्या होगा, v1t सिंपल, एंड s2 भी क्या होगा बेटा, v2t सिंपल है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, s। तो यहाँ से t की वैल्यू आप क्या निकालोगे बेटा, देख लो t की वैल्यू क्या आ जाएगा, t कॉमन ले लो, तो ये v1 प्लस v2 नीचे भेज दो, यहाँ पे t की वैल्यू रख लो, तो ये 2 हो गया पहले से, एंड t की वैल्यू क्या आ जाएगा, s बाई v1 प्लस v2, तो ये हो गया सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से s कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, LCM वगैरह लेकर ऊपर भेज दो, तो ये 2 हो गया, v0 इंटू इतना LCM हो जाएगा, यही ऊपर चला जाएगा, तो v0 इंटू v1 प्लस v2 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2v0 आ जाएगा, एंड ये इधर आके आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा v1 प्लस v2। तो ये आपका सिंपल सा रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसको आपको एक और तरीके से कर सकते हो, है ना, आपको बस कुछ शॉर्टकट याद रखना है, रिजल्ट्स आपको याद रखना है कि एक तो होता है डिस्टेंस एवरेज स्पीड, एंड एक क्या होता है बेटा, डिस्टेंस एवरेज स्पीड एक होता है, यही को हम लोग बोलते हैं स्पेस एवरेज स्पीड, डिस्टेंस वाले को ही, और एक को क्या बोलते हैं, टाइम एवरेज स्पीड।
दोनों का मतलब अलग अलग है यार, है ना। डिस्टेंस एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमने इक्वल डिस्टेंस मान के लिया है, मतलब डीएस एलिमेंट मान के एवरेज स्पीड निकाला है, ठीक है। मतलब ये छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया डीएस, फिर सारा एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तब जो निकाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस एवरेज स्पीड। हाँ, इसका एक्चुअल मेथड क्या निकालने का, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है। ये निकालने का तरीका है, देखो आप डायमेंशनली चेक कर लो, डी एस से डी एस कैंसिल आउट, हालांकि कैंसिल करना नहीं, मैं डायमेंशनली चेक कर रहा हूँ, एंड दिस इज व्हाट वी। तो यहाँ पे डिस्टेंस एवरेज स्पीड या स्पेस एवरेज स्पीड में जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो आपको डी एस होगा। यहाँ पे हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो छोटा छोटा एलिमेंट जो ब्रेक किया मैंने डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ब्रेक किया, यही मैं इस छोटे छोटे एलिमेंट को, सेम क्वेश्चन को स्मॉल टाइम के रेस्पेक्ट में ब्रेक करके ले सकता था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम एवरेज स्पीड, है ना। तो टाइम एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, यहाँ से आप निकाल लो, यहाँ पे आपको डी टी लेना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अपॉन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, फिर से आप चेक करो, डी टी से डी टी कैंसिल आउट वी आएगा, है ना। तो बस यहाँ पे आप ये ध्यान में रखो कि अगर डिस्टेंस एवरेज स्पीड पूछा है तो ऊपर डी एस नीचे डी एस लगा दो, एंड टाइम एवरेज स्पीड पूछा है तो ऊपर डी टी एंड नीचे डी टी लगा दो। क्या दोनों सेम होता है सब, आंसर इज नहीं, दोनों अलग अलग आएगा बेटा, आप निकाल सकते हो सिंपली, है ना। स्पेशल केसेस में इक्वल आ सकते हैं, बट ऐसे इन जनरल क्या होगा, दोनों अलग अलग आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बेटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये पढ़ा है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड कितना होता है, दैट इज टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू, है ना। और ये आप निकाल भी सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप कैसे निकालोगे बेटा। तो डिस्टेंस एवरेज स्पीड का मतलब टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो, ये हाफ पार्ट जा रहा है कितना से, वी वन से, ये हाफ पार्ट जा रहा है कितना से, वी टू से। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, डिस्टेंस एवरेज स्पीड में क्या लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस लेकर करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके। तो यहाँ तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लार्जर अमाउंट भी ले सकते हो, जब कांस्टेंट नहीं होगा तो स्मॉल पार्ट लेके करना पड़ेगा, ये इनफाइनाइट पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो दो पार्ट है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है, ठीक है। फिर एक तो आ गया टाइम एवरेज स्पीड में सर, तो आपको टाइम इक्वल लेना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक टाइम इक्वल है, मतलब डिस्टेंस अब इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये वी वन एंड दिस इज वॉट वी टू, तब जो निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, वी वन प्लस वी टू बाई टू। ये तो आप रिजल्ट याद रखो, है ना, और भी आएगा तो डैश 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 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा इन जनरल अगर निकाला जाए तो इन जनरल कितना होता है, एन डिवाइडेड बाई वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू प्लस वन बाई वी थ्री, इस तरह से। अगर दो पार्ट में ब्रेक किया तो यहाँ पे दो लिखो, टू बाई वन बाई वी वन प्लस वन बाई वी टू, तो ये देखो सॉल्व करके ये निकल कर आ जाएगा। अगर तीन पार्ट में ब्रेक किया, थ्री इक्वल पार्ट में, तब आप थ्री वाई लिखोगे इनकी वैल्यू, है ना। यहाँ पर भी सिंपल, ये डिवाइडेड बाई आप एन कर सकते हो जनरल के लिए, सेम दो पार्ट तीन पार्ट इस तरह से। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, आप शॉर्टकट में कर सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो, मैं एक बार ये शॉर्टकट से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो बेटा आपको पूरा सिंप्लीफाई करना है, तो पहले तो देखो आप पूरा सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये बीच में आ जाएगा खलल डालने के लिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस वाला, हाफ डिस्टेंस वाला फार्मूला से करोगे तो इसका तो पता है वी नॉट, बट इसका तो पूरा का नहीं पता ना, ये तो अलग अलग पार्ट में। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, पहले इसका एवरेज स्पीड निकालो, तो ये तो टाइम के साथ है, तो टाइम के साथ है तो आपको तो पता है ना कि टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा, सिंपली दोनों को जोड़ दो और आधा, तो वी वन प्लस वी टू बाई टू, एक लाइन में ऐसे करो। अब देखो, अब ये दो हाफ हाफ पार्ट हो गए, है ना, तो अब ये दो हो गए आधा आधा पार्ट, एक हो गया वी नॉट और एक हो गया कितना, वी वन प्लस वी टू बाई टू। लेकिन अब ये डिस्टेंस है, टाइम नहीं, पहले टाइम था तो आधा वाला फॉर्मूला लगाया, टाइम में आधा वाला फॉर्मूला है ना, ये टाइम एवरेज स्पीड है, ये डिस्टेंस एवरेज स्पीड है। टाइम में आधा वाला फॉर्मूला काम करेगा, मतलब आधा मतलब यहाँ पे दो पार्ट के लिए मैं आधा यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज तीन चार पाँच जो भी हो सकता है। एंड डिस्टेंस में बेटा ये वाला यूज करना पड़ेगा, तो अब आपको डिस्टेंस दिया है तो अब आपको यूज करना पड़ेगा टू वी वन वी टू, बट वी वन की जगह पे वी नॉट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, वी वन का मतलब फर्स्ट पार्ट का, वी टू का मतलब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज वॉट, वी वन प्लस वी टू बाई टू, है ना, यहाँ पे कितना है बाई टू, वी वन प्लस वी टू बाई टू,
डिवाइडेड बाई टू वी वन बी टू बाई क्या होता है बेटा, वी वन प्लस वी टू, बट वी वन की जगह पे यहाँ पे क्या है बेटा, वी नॉट प्लस वी टू की जगह पे ये पूरा वी वन प्लस वी टू बाई टू। तो एक तो आप फॉर्मूला के बेसिस पे भी कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप एक जनरल मेथड याद रखो, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें ज़्यादा, है ना, जनरल मेथड से भी रिजल्ट उतना ही आ रहा, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू करके आप जब सारा ये काम करोगे तो आपको बहुत लेंदी लगेगा, है ना, जबकि फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको एक एक लाइन में आता जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।